सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? सोचती हूँ आप स्वस्थ एवं खुश होंगे। कक्षा 4 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी विषय में 2 पुस्तकें हैं, भाषा सेतु भाग 4, भाषा अधिगम एवं व्याकरण भाग 4। सर्वप्रथम हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पुस्तक का प्रथम अध्याय है भाषा और व्याकरण। बच्चों, जब आप सड़क पर जाते हैं, चौराहे पर जाते हैं, तो आपको कुछ संकेत चिन्ह दिखाई देते हैं। आप उन संकेत चिन्हों को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। यदि लाल बत्ती होती है तो आप बिना सोचे ठहर जाते हैं, यदि हरी होती है तो आप चल देते हैं, और यदि पीली होती है तो आप रुक जाते हैं, इंतज़ार करते हैं। इसी तरह से कहीं पे हॉर्न के साथ क्रॉस का चिन्ह लगा होता है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। यह संकेत की भाषा है। जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वे संकेत की भाषा को अपनाते हैं। पक्षी और जानवर भी अपनी भाषा में आवाज़ करते हैं और ध्वनि करते हैं। हमें उनकी बात पूरी समझ में नहीं आती, लेकिन लगता है वे भी कुछ बोलते होंगे। कभी कभी संकेतों से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते भी हैं, जैसे पुस्तकालय में, कंप्यूटर कक्ष में, जहां बिल्कुल बात करना मना होता है, वहां पे हम संकेत का प्रयोग करते हैं। लेकिन संकेत हम सामने बैठकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों को अपनी बात कहने के लिए और अपने विचार बताने के लिए हमें दूसरा साधन अपनाना पड़ेगा, और ये साधन जो है भाषा ही हो सकता है। इसीलिए भाषा की बहुत आवश्यकता है। और तो आइए हम जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचार ग्रहण करते हैं। भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, बोलकर और लिखकर। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, अर्थात मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम मुंह से बोलते हैं, यह भाषा का मूल रूप है। इसमें बात कही जाती है और उसे सुनकर समझा जाता है। जैसे टेलीफोन पर हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं, अपनी बात मैसेज के द्वारा कहते हैं, जो कुछ कहना होता है हम फ़ोन पे बात कहते हैं। इसी तरह से दूसरों की बात फ़ोन पर हम सुनते हैं और समझते हैं, और टेलीविज़न पर भी जो कुछ दिखाया जाता है उसको हम देख कर, सुनकर समझते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। लिखित रूप, जब हम अपने मन की बात लिखकर भी कहते हैं तथा लिखी हुई बात को पढ़कर समझ सकते हैं। समाचार पत्र, पुस्तक तथा पत्र आदि में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र में बहुत से खबरें आती हैं, पुस्तकों में ज्ञान होता है, और पत्र में जो बात कही गई है उसको लिखकर भेजा जाता है। ये हुई भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भारत विभिन्नताओं का देश है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। ये प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, गुजराती, मैथिली, बंगला, कन्नड़, संथाली, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, सिंधी, तमिल, पंजाबी, कोंकणी, उर्दू, असमिया, संस्कृत। हिंदी भाषा के और विविध रूप भी देखने को मिलते हैं, जो कि हम स्थानीय रूप से देखते हैं। ब्रज भाषा, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी, भोजपुरी। और दुनिया में भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत सी भाषाएं प्रयोग में की लाई जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी आदि। ये हुई भाषा से संबंधित बात की। भाषा के 2 रूप हैं,
और भारत में कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं। लिपि, अब भाषा को लिखने की बारी आती है कि जो हम भाषा बोल रहे हैं उसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। बताइए, आप हिंदी अलग तरह से लिखते हैं और अपनी इंग्लिश जो है वो अलग तरह से लिखते हैं, है ना? ये जब आप नोटबुक पे अपना नाम हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? बिल्कुल अलग। जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आप अलग तरह से लिखते हैं। कहने का मतलब है, भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार हैं: संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन। कहने का मतलब है, हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। ये हुई लिपि से संबंधित बात। अब हम व्याकरण जानते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण बच्चों हर भाषा के लिए बहुत आवश्यक है। व्याकरण भाषा प्रयोग के नियम बताता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। नाच रहा है, माँ मेरे को भी चलना है, ये दोनों वाक्य गलत हैं। व्याकरण बताता है कि इनको किस प्रकार लिखना बोलना चाहिए। गीता नाच रही है, ये वाक्य सही है। माँ मेरे को भी चलना है, ये गलत है। सही होना चाहिए, माँ मुझे भी चलना है। कहने का मतलब है, किसी भी भाषा को सही सही लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना ये व्याकरण ही बताता है। शब्द और वाक्य के शुद्ध अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। अब तक हमने जाना भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। कहने का मतलब है कि हम कह सारांश रूप में कह सकते हैं, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। व्याकरण भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। आप उत्तर पुस्तिका निकालिए और पेंसिल निकालिए, अभ्यास हेतु कुछ कार्य नोट कर लीजिए। प्रश्न एक, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक, लिखित, पठित, तीनों। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी, रोमन। सड़क पर लगी लाल हरी बत्ती की भाषा कौन सी होती है? संकेत भाषा, लिखित भाषा, रंगों की भाषा, कथित भाषा। इन सब में आपको जो सही उत्तर है उस पर राइट का निशान लगाना है। प्रश्न दो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वन, भाषा के कौन कौन से रूप हैं? लिपि क्यों जरूरी है? व्याकरण जानने के क्या फायदे हैं? कौन से भाषा के रूप हैं? लिपि क्या है? व्याकरण के क्या फायदे हैं? इनको आपको पढ़कर समझकर लिखना है। ये काम आप खुद करेंगे और मैं सोचती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप उसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे और उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।